अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार और लजीज अरवी गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आप इस रेसिपी को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिसेज आमिर फ्रॉम ऑल अबाउट फूड विद साइमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल अबाउट फूड विद साइमा में के किचन में आपको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है अरवी गोश्त। अरवी गोश्त वैसे तो बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से अरवी गोश्त बना रही हूँ। अरवी गोश्त बनाने के लिए जो जो अज्जा दरकार हैं उनमें मैंने गोश्त ले लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब। ये गोश्त धो के मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये अरवियाँ हैं, अरवियों पे मैंने नमक लगा के रखा है। आप पूछेंगे भाई अरवियों पे पहले से नमक क्यों लगाया? अरवियों में एक तरह का लेस मौजूद होता है, अब अगर हम उसको शुरू में जब डालते हैं गलाने के लिए तो वो थोड़ी देर बाद सालन की रौनक ख़त्म हो जाती है उस लेस की वजह से। इस वजह से मैंने इसको तकरीबन नमक लगा के 1 चम्मच के करीब रख दिया है। फिर मैं इसको वॉश करूंगी और हल्का सा शैलो फ्राई करके साइड में रख दूंगी। मसालों की तरफ आ जाते हैं। इसी भी मिर्च ली है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। गर्म मसाला पाउडर लिया है 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है 1.5 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच और हल्दी पाउडर लिया जाएगा 1.5 चम्मच के करीब। 4 अदद बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था और उसे ब्राउन कर लिया था टाइम की बचत के लिए। ब्राउन करके मैंने रख दिया है। एक पाव दही इस्तेमाल होगा इसमें। 2 से 3 मैंने टमाटर पेस्ट बना के रख लिए हैं। तेल के अंदर मैंने प्याज डाल की थी, इस वजह से आपको तेल ऐसा नजर आ रहा होगा। इसके अंदर लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक जब ये भून जाए तो हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के करीब हम लहसुन अदरक के अंदर गोश्त को भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। पिसे हुए टमाटर, पिसे हुई मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर ये सब डाल देंगे। सॉरी, इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको नमक बनाना भूल गई थी, तो आप इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक भी ऐड कर दीजिए और साथ ही पिसा हुआ धनिया भी डाल दीजिए। अच्छी तरीके से मसाला भून लीजिए। तकरीबन 40 से 45 मिनट के दरमियान ये हमारा गोश्त गल जाएगा और इसकी भुनाई भी अच्छी हो जाएगी। तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डालकर आप इसको ढक दीजिए। इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट के दरमियान हमारा गोश्त गल जाएगा। चलें जी, देख लेते हैं अपना गोश्त गला के नहीं। जी, गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसके अंदर अरवियां जो हमने नमक लगा के रखी हुई थी, प्याज जो ब्राउन करके दही में मिक्स करके हमने वो भी डाल दिए। बस दही और प्याज के पानी में ही ये अरवियां इंशाल्लाह 10 मिनट में गल जाएंगी। ढकना ढक दीजिए और दरमियानी आंच कर दीजिए। रहमानी रहीम, ये देखें माशाल्लाह से हमारी अरवियां गल चुकी हैं, सारा रूप भी माशाल्लाह ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से, बस अब इसको मैं डिश आउट करूंगी फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा रेडी हो चुका है और मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। आप इसे नींबू, गरम मसाला और हरी मिर्चों के साथ सर्व कीजिए। घर की रोटी या फिर बाजार की रोटी, दोनों में से जो दिल चाहे उससे एंजॉय कीजिए। आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।